सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपके अलावा, आपके सिवा हमारा यहाँ पर जो है आवाम तक पहुँचाने का कोई और ऑप्शन नहीं है। आप ही हमारी आवाज़ को आवाम तक पहुँचाते हैं। इसका स्टूडेंट यूनियन का जो है, सबसे पहले तो मैं आपको नाम बताना चाहता हूँ, इसका नाम है रजौरी स्टूडेंट्स फेडरेशन। और ये हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, क्योंकि लोकल जो है, जैसे और भी हम देखेंगे जगहों में जो है यूनियंस बनती हैं अपनी अपनी इलाका में, तो यहाँ पर रजौरी में ऐसी कोई यूनियन नहीं थी जो कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिसका मतलब कोई संबंध ना हो। ये एक ऐसी यूनियन है जिसका कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ संबंध नहीं है, क्योंकि ये एक नॉन पॉलिटिकल है। और क्योंकि हम स्टूडेंट्स जो हैं, हम इतनी ताकत रखते हैं कि हम अपनी आवाज़ को खुद बोल सकते हैं और हम अपने हकूक़ के लिए हम खड़े हो सकते हैं, तभी जाके हमने जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ही यही है कि स्टूडेंट के हकूक़, स्टूडेंट्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, खासकर जो कॉलेजेस में हैं, अब इन दिनों काफ़ी जो है ड्रग्स के भी बड़े मामलात हैं, ये जितने भी इश्यूज हैं, स्पोर्ट्स की चीज़ों की यहाँ पर कमी दिखाई दे रही है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों को जो है एक स्टेप नहीं मिलता आगे बढ़ने का, कोई काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी इन चीज़ों की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो ये स्टूडेंट यूनियन इंशाल्लाह इस पे ऐसा काम करेगी कि उनको जो है उनके आगे हक मिले और वो आगे बढ़ सकें, ताकि रजौरी डिस्ट्रिक्ट का भी नाम जो है आगे बढ़ सके। क्या और बाकी रजौरी डिस्ट्रिक्ट के बाकी स्कूल कॉलेजेस हैं, क्या वो भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल, जहाँ जहाँ के रजौरी डिस्ट्रिक्ट के जहाँ जहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उनको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आती है इसके रिलेटेड, स्टूडेंट्स के या फिर उनके जो हक हैं कॉलेजेस के, स्कूल्स के, उनके रिलेटेड आती है, ये यूनियन हमेशा उनके साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। कॉन्टैक्ट नंबर भी बैनर में दिया गया है और इंस्टाग्राम पेज भी, हमें वो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें, हम खड़े रहेंगे। और आगे आने वाले, अभी तो इसका आगाज़ हुआ है, अब आने वाले टाइम पर हमने इसकी मेम्बरशिप भी जो है वो रखनी है, ताकि जो मेम्बर्स जो हैं वो इस स्टूडेंट यूनियन से जुड़ के और साथ चल के हम जो है ये एक स्टेप उठाएं, और ताकि जो है बदलाव रजौरी में आए। और ये यूनियन यहाँ बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि स्टूडेंट्स की वॉइस जो है वो दबी जाती थी। कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो हैं भी अभी, जो रजौरी, खासकर रजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, जिनको अभी पता ही नहीं स्पोर्ट्स के, हमारे लिए इतनी फंड्स आते हैं, इतनी चीज़ें आती हैं, और जब तक कोई बोलेगा नहीं तो वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाएंगी। और यही यूनियन जो है ये हर एक स्टूडेंट को ये मौका देगी उनकी आवाज़ को आगे पहुँचाने का, आवाज़ को बढ़ाने का, आवाज़ को बोलने का। ये यूनियन हमेशा इस चीज़ के लिए खड़ी रहेगी, और हमें उम्मीद भी है कि रजौरी डिस्ट्रिक्ट के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ में खड़े रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारे रजौरी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट यूनियन बनी है, तो स्टूडेंट यूनियन फेडरेशन बनी है, तो इसका यही मेन मुद्दा है कि हम कुछ स्टूडेंट्स को ना उनके हक हकूक नहीं मिलते, तो हमें हमें सबको साथ रख के उनका हकूक दिलाने हैं। और जिन जिन बाहर के हमारे जो सिविलियन हैं उनको भी अगर ज्वाइन करना होगा तो हमारे वो कॉलेज के अंदर आ सकते हैं, हम उनकी आवाज़ भी सुनेंगे और उनको उनके जो मसले हैं वो भी हम हल करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि सब लोग तो सिटीज़ में रहते नहीं हैं, तो कुछ लोग तो विलेज एरियाज़ में रहते हैं, तो वहाँ पे जो स्कूल की एजुकेशन होती है वो इतनी उनको बेटर नहीं मिलती है, तो दे आर ट्रेवलिंग टुवर्ड द सिटीज़, तो उनके लिए जो है वो चार्जेस थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि देयर फैमिली सिचुएशन आर देयर, तो उनको जो है ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही हैं। तो ये जो फेडरेशन है ये हमें बहुत ही इस चीज़ में हेल्प करेगी कि ये चीज़ प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो सके लोगों की। तो दूसरी बात, अगर गर्ल्स की बात की जाए तो इट शुड बी अ सेफ्टी फॉर देम। तो और जैसे कि मैंने बात की कि गर्ल्स को इंटरेस्ट होता है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, तो उनमें भी उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और दे ऑल्सो वेंट अवे फ्रॉम द ड्रग्स ऑल्सो, क्योंकि ये यूनियन बनी ही बच्चों के लिए है, तो स्पेशली अगर गर्ल्स आएंगी फॉरवर्ड, तो अगर एक दो गर्ल्स आएंगी तो बाकी की जो गर्ल्स हैं उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा हाई हो जाएगा फॉर दिस एसोसिएशन के लिए, तो मतलब उनके लिए तो बेनिफिट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एसोसिएशन जो है इन चीज़ों से भी लिंक्ड कर रही है ये जो यूनियन बनाई गई है। माय नेम इज़ सानिया चारक, आई एम द स्टूडेंट ऑफ पीजी कॉलेज फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर। ये जो फेडरेशन है ये हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट रजौरी के बच्चों की वेलफेयर के लिए बनाई है। दिस एसोसिएशन इज़ बेनिफिट फॉर स्टूडेंट, और मतलब जितने भी रोज़मर्रा की उनको जो डिफ़िकल्टीज आती हैं वो आके हमें बता सकते हैं। ये जो फेडरेशन है इसका पेज भी है इंस्टा पे, और उसमें नंबर्स भी दिए हुए हैं, जिन बच्चों को कोई भी इशू हो वो आके हमें बता सकते हैं, और हम उनकी पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनकी मतलब जितनी भी परेशानियाँ उनको सॉर्ट आउट कर सकें। और मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कोई भी प्रॉब्लम हो उनको, कुछ भी हो, ये नहीं सिर्फ पीजी कॉलेज, जो भी कोई भी स्टूडेंट और डिस्ट्रिक्ट का कोई भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो हम उनकी पूरी हेल्प करेंगे।